दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। पठानकोट सीएए स्टाफ की पुलिस ने तीन आरोपियों को दो चोरीशुदा मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तीनों आरोपियों ने पूछताछ में कबूला है कि उन्होंने कुछ दिन पहले सब्जी मंडी की एक दुकान में 1,25,000 रुपए की लूट की थी। दरअसल उक्त आरोपी अपनी नशे की लत की पूर्ति हेतु शहर में लूटपाट की वारदातों को अंजाम देते थे। फिलहाल पुलिस ने तीनों ही आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। उल्लेखनीय है कि पंजाब के युवाओं में नशों के प्रति बढ़ रहे रुझान की वजह से ही ऐसे नौजवान चोरी व लूटपाट जैसी वारदातों को अंजाम देते हैं। अलबत्ता प्रशासन को चाहिए कि पंजाब में फैल रहे इस नशे को जल्द से जल्द खत्म किया जाए ताकि युवा पीढ़ी को इस नशे रूपी दानव से बचाया जा सके। सोनू ते अमन जिन्हां पासों दो मोटरसाइकिल बरामद किए ने चोरीशुदा जो उन्होंने पठानकोट शहर विचों वक् वक् थावां तों चोरी किए सीगे ते एक आड़तिया पम्मी दे दुकान तों उन्होंने कुछ दिन पहला ताला तोड़ के चोरी की सीगी। वो चोरी कोई करीब 1.25 लाख के करीब सी तो उहदे विचों भी 75,000 रुपया असीं हुण तक बरामद किया हैगा वै। तो दोषियों की जी पुछगिछ हैगी जारी है तो इन्हों तो होर भी शहर दिया चोरिया के जोड़े सुराग है वो पता लग सकते हैं। जदों नशे की इन्हों नशे करने वास्ते पैसे नहीं होंगे फिर ये चोरी करते।